विधानसभा क्षेत्र की नैना देवी अंतर्गत आने वाले उपमंडल स्वारघाट के होटल हिल टॉप में प्रेस वार्ता के दौरान नैना देवी के विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्रियों व उसके मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण सड़कों की अनदेखी की जा रही है, गांवों की लेबर को नेशनल हाईवे पर भेजा जा रहा है। ग्रामीण सड़कों का पैसा नेशनल हाईवे पर लगाया जा रहा है, बरसात की आड़ में लाखों का घोटाला हो रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बरसात का मलबा हटाने के लिए कोई भी टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही। एक ही ठेकेदार के नाम से उसके रिश्तेदार कई जेसीबी मशीनें लगाने का काम दिए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के स्वारघाट नैना देवी बुनमहोल उपमंडलों की जाँच कराई जाए कि बरसात की आड़ में कितने लाखों के घोटाला हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनकी नैना देवी चुनाव क्षेत्र में गांवों की कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें कैंची मोड़ से बाया लखाला तथा बेहर पंचायत के चिकनी खड़का पुल जो गत साल से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, उसका निर्माण करना भी आज दिन तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण बेहल कोड़ा वाला पंचायतों के बाशिंदों को अपने घर तक जाने के लिए पंजाब होकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी सहन करनी पड़ रही है। विधायक रामलाल ठाकुर का कहना है कि सरकार के कुछ छुटबी नेता ट्रांसफर व एडजस्टमेंट करने के नाम पर कर्मचारियों से लाखों रुपए की धनराशि लूटने के कार्य में जुटे हुए हैं। इन ट्रांसफरों को ना तो मुख्यमंत्री या मंत्री का कोई पता है और ना ही उच्च अधिकारियों की कोई जानकारी है। रामलाल ने कहा कि कर्मचारियों को लूट कर किसी नेता की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं को करीब से जानने और उसका निवारण करने के लिए बैंकों की ओर से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 3 अक्टूबर को हमीरपुर स्थित राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में सुबह 10 बजे बैंकों के इस मेगा इवेंट का शुभारंभ होगा। ये जानकारी पंजाब नेशनल बैंक के मंडलीय प्रबंधक सिद्धार्थ मजूमदार ने पत्रकारों से बातचीत में दी। कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम अपने ग्राहक तक पहुंचने की पहल है। इसके तहत रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, एमएसएमई, शिक्षा और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश के 400 जिलों में इसका शुभारंभ किया जाएगा। हिमाचल की बात करें तो यहां हमीरपुर जिले को इसके लिए चुना गया है। मंडलीय प्रबंधक सिद्धार्थ मजूमदार ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ जिला हमीरपुर के सभी सार्वजनिक बैंक आरबीआई नाबार्ड समेत 24 बैंकों के करीब 172 शाखाओं के प्रतिनिधि इस मेगा इवेंट में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि कस्टमर आउटरीच की पहल खाता खोलना, मूल बचत बैंक जमा खाता, भीम ऐप डाउनलोड और ई बैंकिंग जैसी सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि अपने बैंकों के ग्राहकों की सेवा करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे। हमीरपुर जिला के बोरस में गत कुछ दिन पहले 2 युवकों के द्वारा एक युवक की थर्ड डिग्री वाली मारपीट के वीडियो वायरल मामले में पीड़ित युवक गौरव ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा बयान किया है। हैरान कर देने वाली मारपीट के वीडियो में युवक बचपन से एक साथ पढ़े हैं। हमीरपुर आए गौरव ने अपने पापा और चाचा के साथ मारपीट के पीछे की बात को सुनाया। मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा तीनों युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किए जाने के बाद जमानत दिए जाने पर एतराज जताते हुए इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवक गौरव ने बताया कि युवकों ने बिना वजह से ही मारपीट की है और बचपन से उनके साथ ही स्कूल में पढ़ा है। उन्होंने बताया कि फोन पर कई बार मारने की धमकियां दी जा रही थी और जैसे ही बद्दी से घर वापस आया तो तीनों ने एक सुनसान जगह पर ले गए और जहां पर मारपीट की और वीडियो बनाई। मारपीट के पीछे कारण एक रिश्तेदार के द्वारा फोन पर कुछ कहा हुआ था जिसका बदला मेरे से लिया गया।
युवक के पिता ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस ने मारपीट के आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस मामले में ठीक से कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि तुरंत ही युवकों को जमानत मिली है। युवक के चाचा ने बताया कि भतीजे के साथ इतनी बुरी मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस ने भी मामले में ठीक से काम नहीं किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में युवकों का पुलिस रिमांड तक नहीं लिया है। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीडिया मारपीट के वीडियो में दो युवक एक युवक की निर्मम पिटाई करते हुए दिखाए गए थे, जिस पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद अब युवकों को जमानत मिल जाने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।